हेलो फ्रेंड्स, फॉर्चून इन्फो सॉल्यूशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाज़िर हुए हैं। और अपडेट है नीट पीजी 2022 काउंसलिंग से रिलेटेड। नया साल है और नए साल के साथ नई चांसेस और नई होप्स आई हैं। और आज का हमारा ये वीडियो जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने वाला है उसी से रिलेटेड है। उसकी शेड्यूल एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे पब्लिश हुई थी 31 दिसंबर को। आई होप सभी ने देखी ली होगी, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में डिटेल्स पे उन शेड्यूल की डिटेल्स पे डिस्कशन करेंगे। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि उनको ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स ऑन टाइम हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो नीट पीजी 2022 काउंसलिंग की जो शेड्यूल थी, वो स्टे वैकेंसी राउंड दिसंबर तक में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग की ख़त्म हो जानी थी, और वैसा ही हुआ। दिसंबर तक जो सेंट्रल काउंसलिंग है एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग है, उनकी काउंसलिंग ख़त्म हो गई। काउंसलिंग ख़त्म होने के बावजूद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस में पीजी की सीट्स बच गई, जिन पे या तो रिपोर्टिंग नहीं हुई या अलॉटमेंट नहीं हुई। बहुत सारी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस बच गई थी, बहुत कुछ क्लिनिकल ब्रांचेस भी बच गई बहुत सारे कॉलेजेस में। सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में भी, ऑल इंडिया कोटा में भी और स्टेट काउंसलिंग में भी सीट्स बची हैं। और ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट की जा रही है, ये उन्हीं लेफ्ट ओवर सीट्स के लिए कंडक्ट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी हुआ था कि जो सीट्स बची हैं वो वेस्ट ना हो और उनके लिए कुछ स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाया जाए। तो हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने और एनएमसी और जितनी भी अथॉरिटी है, जो गवर्निंग बॉडीज़ है, उन्होंने यही डिसाइड किया है कि एमसीसी है तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाए। तो उसकी शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट पे पब्लिश की गई। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो 6 to 8 जनवरी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट की पेमेंट की डेट है। 4 PM इन द इवनिंग 8 जनवरी को ये फैसिलिटी क्लोज हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 11:59 PM रात के 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 8 जनवरी को क्लोज हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग 9 जनवरी को होगी और रिजल्ट 10 जनवरी को पब्लिश कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग जो है वो 10th से 14 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी को 5 PM में इवनिंग में रिपोर्टिंग क्लोज कर दी जाएगी। तो ये है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की शेड्यूल। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी कॉलेजेस रहेंगी। उसकी सीट मैट्रिक्स बहुत जल्द एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी और आप देख सकेंगे कि किन कॉलेजेस में क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ डिफरेंट स्टेट्स में, ओपन स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस अभी भी बची हुई हैं। तो एमसीसी की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने के बाद स्टेट काउंसलिंग की भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो एमसीसी की कंडक्ट हो रही हो, होने की जो ड्यूरेशन है उसी बीच में डिफरेंट स्टेट्स की भी स्टे वैकेंसी राउंड की नोटिसेस आने लगे। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी चांस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जो अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते और या जो अभी भी देख रहे हैं, अभी भी उनके लिए होप है कि डिफरेंट प्राइवेट या और जो प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी कुछ होप, कुछ चांस है कि वो काउंसलिंग के थ्रू जाके कॉलेजेस में अलॉटमेंट उन्हें मिल सके उनकी डिजायर्ड ब्रांचेस के लिए। बहुत ज़्यादा सीट्स तो नहीं बची होंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सीट्स, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ रही हैं कॉलेजेस से जिनमें काफ़ी सीट्स बच गई हैं। तो
वहाँ पे जाके काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू वो ट्राई कर सकते हैं कि उन्हें उनकी डिजायर्ड ब्रांचेस मिल जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। और एक और बात कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन अवेलेबल है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे किया है, जो सिर्फ रजिस्टर किए हैं तो वो सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हो सकता है कि 6th या 5th जनवरी तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन की जाए एमसीसी की भी। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि रजिस्ट्रेशन खुलेगा कि नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन खुले, क्योंकि ये स्पेशल राउंड है। और स्टेट्स में भी अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाई जाती है तो हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन खुले। मैं कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकता कि हाँ 100% रजिस्ट्रेशन खुलेगी, लेकिन चांसेस काफ़ी हैं कि रजिस्ट्रेशन खुल सकती है। तो क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि रजिस्ट्रेशन खुलेगी कि नहीं, कुछ कॉल्स वगैरह आए थे, तो रजिस्ट्रेशन खुलने की पूरी चांसेस भी हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही अपडेट्स हैं। अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। और किसी भी तरीके की काउंसलिंग गाइडेंस, एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस हेल्प चाहिए काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलॉटमेंट के लिए, किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप हम कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।